आकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ तीन टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक रहेगा कि क्या ALP बनने के लिए आपको चार एग्जाम देना पड़ेगा, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि ALP बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ITI, डिप्लोमा या BTEC। फ्रेंड्स, तीसरा टॉपिक आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि ALP बनने के लिए आपको कौन से ट्रेड से ITI करना है और आपके लिए कौन सा ट्रेड अच्छा रहेगा। तो ये तीन टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। जो भी ALP एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को स्किप मत करेगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक ये रहेगा कि ALP बनने के लिए कि आपको चार एग्ज़ाम देना होगा। तो ALP एग्ज़ाम देने के लिए आपको तीन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और चौथा एग्ज़ाम को भी मैं एज अ एग्ज़ाम ही ट्रीट करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला एग्ज़ाम आपका CBT 1 होता है, और फिर दूसरा एग्ज़ाम CBT 2 होता है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी में एग्ज़ाम होते हैं, और तीसरा एग्ज़ाम कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसमें आपका दिमाग कितना जल्दी कोई भी चीज़ को याद कर सकता है उसके ऊपर सारे क्वेश्चन आते हैं, और आपके दिमाग के कंसंट्रेशन पावर को चेक किया जाता है कि आप कोई भी चीज़ कितने जल्दी याद कर लेंगे और उसके ऊपर डिसीजन कितने जल्दी ले लेंगे। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, और ये एग्ज़ाम साइको के एग्ज़ाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोग के बारे में डिस्कस कर दिया अभी, फर्स्ट CBT 1, CBT 2, और देन कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको बोला जाता है। तो ये तीन एग्ज़ाम होंगे, और चौथा मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, चौथा एग्ज़ाम आपको एज अ एग्ज़ाम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मेडिकल एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है ALP के लिए, जिसमें A1 फिट आपको होना चाहिए, तभी आप ALP बन पाएंगे। इसमें आपका आई विज़न 6x6 मस्ट है, क्योंकि अगर आपका आई विज़न 6x6 नहीं होगा तो आपको तुरंत वहाँ मेडिकली अनफिट करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा वहाँ से, और आपके लिए ये सोच सकते हैं कि मेडिकली अनफिट होना कितना ख़राब होगा। आप इतने दूर तक पहुँच करके मेडिकली अनफिट होकर के बाहर होंगे, तो आप जितने भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं ALP एग्ज़ाम के, वो अपना आईज चेकअप ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि आईज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फॉर ALP के लिए। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, जैसे कि अगर आप में ITI होल्डर है और अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो आपको एक चांस और दिया जाएगा B1 और B2 और C1 कैटेगरी तक आपको मेडिकल कैटेगराइज करके आपका मेडिकल दिया जाएगा। अगर आप उसमें किसी में भी फिट हो जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट दे दिया जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के कटअप पार कर किए होंगे तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, डिप्लोमा और BTEC होल्डर वाले सिर्फ ALP के लिए एलिजिबल होंगे, तो उनका मेडिकली अनफिट हो अगर होता है तो उनको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो आप मेडिकल को भी फिट हो करके ही जाइए, क्योंकि अगर आपका आई विज़न 6x6 है तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे, तो आपको कोई आगे नहीं रोक सकता है। और आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिए एग्ज़ाम में, आपके नंबर अच्छा है, तो आपका मेरिट भी इजली बन जाएगा। तो आप लोग मेडिकल एग्ज़ाम को भी एज अ फोर्थ एग्ज़ाम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड थे जिनका 6x6 विज़न नहीं था, तो उन लोगों का टेक्नीशियन पोस्ट में भी बहुत लोग चले गए, और जो BTEC वाले थे उन लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो मेडिकली अनफिट थे। और एक इम्पोर्टेंट नोट और एक नोट कर लीजिएगा कि आप जब साइको एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका उसी समय सर्टिफिकेट मांगा जाएगा 6x6 विज़न का। तो अगर आपका 6x6 विज़न रहेगा तभी आपको साइको देना दिया जाएगा, नहीं तो आप वहीं पे बाहर हो जाएंगे। अगर BTEC और डिप्लोमा होल्डर वाले हैं तो वहीं पे बाहर हो जाएंगे, और ITI वाले हैं तो उन लोगों को टेक्नीशियन इजीली मिल सकता है अगर आपका कट ऑफ पार किया है तो। अभी आप लोगों के साथ मैं CBT 1 के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एग्ज़ाम में आप लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 75 रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 60 मिनट। तो ए में इम्पोर्टेंट CBT 1 में जो आपका सिलेबस रहेगा वो जनरली कवर्ड इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से पूछा जाएगा। तो आप लोग इन सारे सब्जेक्ट को फोकस करके तैयारी करिएगा CBT 1 का 60 मिनट। तो ए एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइड रहेगा, क्योंकि
ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड अगर आप इसमें हो जाते हैं तो आपको सीधा सेकेंड स्टेज से CBT 2 भेजा जाएगा, मगर इसमें एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतना लाना ही पड़ेगा। UR के लिए 40% और SC और OBC के लिए 30% और ST के लिए 25%, इतना नंबर ऑफ परसेंटेज मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको, तभी आप क्वालिफाइड रहेंगे। और इसके बाद भी एक कंडीशन लागू होता है कि अगर आप CBT 1 में क्वालिफाइड भी कर लेते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाने के बाद, अगर आपका हर बोर्ड अपना एक अलग कट ऑफ निकालेगा जिसमें अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तभी आपको सेकेंड स्टेज के लिए लिया जाएगा। और जब सेकेंड स्टेज के लिए आपका रिजल्ट दिया जाएगा तो आपको 50 times दिया जाएगा, जैसे कि आपका बोर्ड में अगर 1000 वैकेंसी है तो 15000 स्टूडेंट का उस बोर्ड में सिलेक्शन लिया जाएगा फॉर CBT 2 के लिए। तो CBT 1 का ही पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो जो भी क्वेरी होगा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे चैनल में 689 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो जल्दी से अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब करके 1K पहुंचाना है, जल्दी करिए सब्सक्राइबर। फ्रेंड्स अभी CBT 2 के बारे में बात करते हैं, तो CBT 2 में आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, जो पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग सेक्शन बने रहेंगे। आपको पहले पार्ट ए एग्ज़ाम देना होगा, फिर ऑटोमेटिकली 90 मिनट के बाद पार्ट बी आपका खुल जाएगा एग्ज़ाम, जो कि पूरा टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन का एग्ज़ाम रहता है। और ए एग्ज़ाम का टोटल टाइम रहता है 2 hours 30 minutes का एग्ज़ाम रहता है, तो आपको पहला पेपर 90 मिनट का और दूसरा पेपर 60 मिनट का रहेगा। तो पार्ट ए में जो 90 मिनट के पेपर रहेंगे उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे, और ये पार्ट ए एग्ज़ाम ही आपका मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि पार्ट बी एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है। तो पार्ट ए एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा तभी आपकी मेरिट बन पाएगी। तो पार्ट ए में आपका जो सिलेबस कवर अप रहेगा, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा, उसमें मैथ, जनरल साइंस एंड इंटेलिजेंस, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के अलावा एक न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया था हम लोगों के टाइम, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या इससे क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे सिलेबस कवर करेगा और इसी सिलेबस को फोकस करके आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं CBT 2 के बारे में, जो पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। पार्ट बी में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइड नेचर का होगा, और उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100% पूरा टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आपका नंबर ऑफ ट्रेड को सेलेक्ट करने का आपका अपना चॉइस रहेगा। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तब आपसे फिर से फॉर्म भराया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आप कौन से ट्रेड से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडों का नाम आएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कौन सा सेलेक्ट करना है, जो मैंने सेलेक्ट किया था, और उसी टॉपिक उसी सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्या उससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स एग्ज़ाम को आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी एग्ज़ाम के चलते 2018 वाली वैकेंसी में बहुत लोग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए थे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी इसमें पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं किए थे, और पार्ट ए में उनका अच्छा नंबर था, 80 नंबर थे, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए पार्ट बी में और वो बाहर हो गए कंपटीशन से। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है पार्ट बी सेक्शन, इसको लेकर ही आप तैयारी करिएगा। टेक्निकल क्वेश्चन, पूरे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट में, और इसमें 60 मिनट बहुत ज़्यादा रहते हैं, आराम से आप पढ़े रहोगे तो इजली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करिएगा CBT 2 में पार्ट ए के लिए, कि आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए UR के लिए 40%, OBC और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% लाना ज़रूरी होगा, तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। और उसके बाद हर बोर्ड अपना अलग अलग कट ऑफ बनाएगा, और आपका अगर कट ऑफ पार कर जाते हैं और पार्ट में भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको
आपके बोर्ड में जितने मतलब 8 times स्टूडेंट को पास किया जाएगा फॉर स्टेज 3 के लिए, जिसमें कंप्यूटर ऐप जाएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट में जो LP के लिए ऑप्टेड किए होंगे वही एग्जाम सिर्फ देंगे साइको का, क्योंकि टेक्नीशियन वाले नहीं देंगे क्योंकि वो सिर्फ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और जो सब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि ITI आप लोगों को कौन कौन से ट्रेड से करना है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। ट्रिकुलेशन कंप्लीट करके उसके बाद ITI आप कर सकते हैं। ITI करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जहाँ पे NCVT या SCVT से एफिलिएटेड होना चाहिए वो इंस्टीट्यूट, तो उसी जगह से आप ITI करिएगा। और ITI करने के लिए आपके यहाँ बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडों का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, तो उसमें आप ITI कर सकते हैं आराम से। साथ जो डिस्कस किया हूँ आप इनमें से किसी में भी ट्रेड में ITI कर सकते हैं, और जो सारे ट्रेड है वो LP पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर इनमें से किसी से भी आप ट्रेड से कर लेंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने भाई के चैनल को, मान के करना है जल्दी। तो जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो, और ख़राब लगी होगी तब भी कमेंट करिएगा, मैं उस पर काम करूँगा और अच्छा से अच्छा टॉपिक डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।